वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंचा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ घूमने, यहाँ पे सब रेडी हो गए, थोड़ा सा गाली खा चुके हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं, थोड़ा लेट हो चुके थे धूप के कारण। और यहाँ पे हम लोग रेडी थे, ऑटो वाले आके वेट कर रहे थे। यहाँ पे भाभी, हम और हमारे दोस्त, मम्मी उम्मी सब जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग चल दिए हैं। जब मैं बनारस कैंट के पास पहुंची तो भीड़ इतनी लगी हुई थी G20 के कारण, पूरा रोड बनारस का जाम किया हुआ था, फोर्ट्स वगैरह सब। और इतना नीट एंड क्लीन से पूरा, मतलब रोड भी क्लीन किया हुआ था और पूरा इतना अच्छा डेकोरेशन था। ये हम बनारस सिटी को क्रॉस कर रहे थे और काफ़ी अच्छे से पूरा डेकोरेशन एकदम, मतलब कि साफ़ सुथरा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी आने वाले थे G20 के समिट के लिए, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ। और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे नमो घाट और हम लोग को रास्ते में ही मिल गया। हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं और ये देखिए हमारे दोस्त कितनी अच्छी लग रही है, और पीछे है मम्मी बाबू और भाभी। अभी हम लोग को बहुत दूर पैदल चलना है, कहाँ से हम लोग को कूदना है ये देखिए। फाइनली गाइज अभी हम लोग नमो घाट पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हम लोग घाट पे गाइस पहुंचे, उसी तरह जो फोर्स थी वो उधर जाने के लिए मना कर रहे थे पुलिस वाले, क्योंकि योगी जी और कुछ मंत्री वगैरह आए हुए थे। राजघाट आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग ये गाइस आज पूरा देखिए बंद है इस तरह से। चलो खड़ी हो, सब लोग खड़ी हो ना। G20 के समिट में पूरा इस तरह से घाट को इतना सुंदर अद्भुत सजाया गया है और काफ़ी सुंदरता झलक रही है घाटों की, देखिए किस तरह से। और इसी तरह करके घाट पहली बार लाइफ में पूरा घाट करके गए थे। 108 घाट है, घाट आज हम लोग घूम लिए, ऐसा कोई घाट नहीं है। अभी हम लोग ब्राह्मण घाट क्रॉस कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं, क्यों बहुत ज़्यादा भी निकल रहा है। मम्मी लोग बहुत पीछे है यार, कैसा दिन है इस बार का हम लोग का। कहाँ बोल रही हूँ, गाते रहो, आज अंधेरा दिख रहा है, गाते रहो, गाइए गाना, गाते रहो, चलते रहो, गुनगुनाते रहो, बताते रहो, पहुँच जाओगे, पहुँच जाओगे घाटे घाटे जाके, कहीं भी तो पहुँचोगे। अरे यहाँ पे खड़ी हो ना, फोटो अच्छा आ रहा है। मम्मी लोग पहले देखिए आज कौन कौन सा घाट का नसीब हुआ हम लोग को, जिस घाट के लिए हम लोग आए थे। मेरा बेटा इतना थक चुका है, गर्मी यार एक तो इतनी, और दूसरा कि देखिए मेरा बेटा को नमो घाट घूमने का शौक़ था, मामा ऑटो वगैरह सब कर दिया था, ऐसा नसीब कि नहीं दर्शन था तो नहीं हुआ। G20 के समिट के लिए सारे घाटे को अद्भुत सा सजाया गया है। और ये जो है मंदिर के अंदर जो कॉरिडोर बना हुआ है उसका नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सबको ये पिक ले रहे थे। हमारा फर्स्ट विजिट है, हम दो बार आए हैं मगर कॉरिडोर नहीं घूमे थे, ये हमारा फर्स्ट विजिट है। काफ़ी है, फाइनली गाइस आज हम पूरा कॉरिडोर घूम लिए। फाइनली गाइस आज पूरा हम कॉरिडोर घूम चुके हैं। इतनी बार आए थे मगर कॉरिडोर नहीं घूम पा रहे थे, मगर इस बार मौका मिला है तो पूरा कॉरिडोर घूम लिए। और मम्मी लोग पीछे एकदम धीरे धीरे चल रही हैं, आज ये लोग काफ़ी चल रही हैं कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई है। आपको पता है कि मेरी मम्मी जो है वो पेशेंट है, बहुत बीमार रहती है क्योंकि डायबिटीज़ BP वगैरह सब मम्मी को हो रखा है। तो हम लोग अभी विश्वनाथ गली में हैं और निकल रहे हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कहाँ निकल सकते हैं। और आंटी जो है गिर गई थी तो उसे भी काफ़ी चोट आ चुका था, बाबू भी बहुत ज़्यादा थक गया था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पैर को थोड़ा आराम देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर के पास आके भी मंदिर का दर्शन नहीं हुआ है, तो हम लोग वापस एक नंबर गेट से वापस हो रहे थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। G20 का प्रोग्राम चल रहा था और आज काफ़ी मतलब कि चलना पड़ा है, तो सबका हालत ख़राब हो चुका था यहाँ पे, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब इवन मम्मी लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हम लोग का खुद हालत ख़राब था। तो हम लोग घर को लौट रहे हैं और मिलते हैं घर चल के। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके, हम लोग का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, आज का दिन बहुत ही गंदा था। और यहाँ पे भाभी भी आ चुकी है, अपना कपड़ा उपड़ा चेंज करेंगे हम लोग, बहुत एकदम अच्छा वाला चाय पियेंगे, उसके बाद ही कुछ है। वह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।